हेलो एवरीवन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के कुछ बेसिक्स बताए थे और हमने कहा था हम 3.1 और 2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 3.1 का ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। कंस्ट्रक्ट अ 3:4 मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस j का मोड। अब देखो 3:4 का मतलब तीन रो a11, a12, a13 और चार कॉलम्स a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34। ध्यान से देखिएगा, कंस्ट्रक्ट अ 3:4 मैट्रिक्स, तीन रो और चार कॉलम। अब A11 निकालना है। A11 का मतलब I की जगह 1, J की जगह 1, तो -3 + 1 - 2 का मोड। -2 का मोड क्या हो जाएगा? 2, 2/2 1, यानी फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया। मोडलेस ऑफ अगले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मॉडुलस में क्या रहता है, आपके पास जो नेगेटिव वाली टर्म है वो बाहर आकर क्या हो जाती है, पॉजिटिव टर्म। तो वही चीज हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। A12 I की जगह रखेंगे 1 और J की जगह रखेंगे 2। I की जगह 1 रखा, -3 × 1 - 3 + 2 -2, -3 + 2 1 हो गया और 1/2 आ गया। हम डायरेक्ट ही लिख देंगे नेगेटिव टर्म, बाहर आकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। A13 I की जगह रखा 1 और J की जगह रखा 3, 3 + 3 = 0। तो ये आप खुद कर सकते हैं, आगे एलिमेंट्स पुट करते जाए आंसर आता जाएगा। इसमें से हमको ये बताना चाहते थे कि 3:4 है तो तीन रो और चार कॉलम। A11 I की जगह 1, J की जगह 1, A12 I की जगह 1, J की जगह 2, A23 I की जगह 2, J की जगह 3, मॉडुलस से टर्म बाहर आने क्या हो जाती है, पॉजिटिव। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है हमारे पास, स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। कोई फिर भी आपके डाउट्स बच जाते हैं 3.1 और 3.2 में, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर मार्क कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो जाएंगे। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3:3 विद ईच एंट्री 0 और 1। अब देखो 3:3 नाम से ही पता लग रहा है, तीन रो और तीन कॉलम। तो उसकी जनरल फॉर्म अगर हम बनाएंगे तो वो ये जनरल फॉर्म बन गई। क्लियर है? विद ईच एंट्री 0 और 1, 0 और 1, इसको फिल करने के भी दो वेज, इसके लिए भी दो वेज, इसके लिए भी दो वेज, हर किसी को फिल करने के टू वेज हैं। तो 2 × 2 × 2 अप टू 9 टाइम्स, आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 11th में पढ़ चुके हैं। एक इवेंट को करने के टू वेज हैं, सेकंड के लिए भी 2, थर्ड के लिए भी 2। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज आर 2^9, 512। क्लियर है? देखो क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3:3 विद ईच एंट्री 0 और 1। हर में या तो 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। तो टोटल आउटकम्स है आपके पास 9, हर एलिमेंट को फिल करने के दो वेज हैं। तो 2 × 2 × 2 कितनी बार आ गया, 9 टाइम्स। तो टोटल वेज हो गए 2^9, 512। क्लियर है सबको? 3.1 में यही है। अब हम आगे देखते हैं 3.2 में। देखिए जरा 3.2 में थर्ड वे फिफ्थ क्वेश्चन में हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लीकेशन हमने कल सीखी थी। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। क्लियर है? 3 रोज 2 कॉलम, 3:2, 2 रोज 3 कॉलम। पहले के कॉलम और दूसरे की रो सेम है, तो इट मीन्स मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और नया ऑर्डर बनेगा ये जो बच गए 3:3। 3:3 मीन्स 3 रो 3 कॉलम, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर है सबको?
इसका ऑर्डर है 3:2, इसका ऑर्डर है 2:3। पहले के कॉलम और दूसरे की रो सेम है, नई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बचे हुए एलिमेंट्स रहेंगे, और मल्टीप्लीकेशन तब डिफाइंड होती है जब फर्स्ट की कॉलम और सेकेंड की रो सेम हो। अब A11 का मतलब है फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 into 1 2, 1 into -1 -1, A12 फर्स्ट की सेकेंड से मल्टीप्लाई, 2 into 0 0, 1 into 2 2, A13 फर्स्ट की थर्ड से मल्टीप्लाई, 2 into 1 2 plus 1, यानी कि जो पहली रो आ गई 1 2 और 3। ध्यान समझो, बहुत इजी है ये और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 into 1 3, 2 into -1 -2, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 plus 4 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 plus 2, 3 1 3 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 4 5 -2 2 0, ये आ गया आपकी दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है, ये आंसर आ गया। समझ आया सबको, मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल होती है जब पहले के कॉलम और दूसरे की रो सेम हो, और जो बच जाती है टर्म्स वो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जनरल फॉर्म बना के A11 फर्स्ट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 1 2 फर्स्ट की सेकंड से, 1 3 फर्स्ट की थर्ड से कैरी फॉरवर्ड कर दो। ऐसे ही 6th क्वेश्चन है, इसमें कोस थीटा बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कोस थीटा आप अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दो सबसे। देखो, मल्टीप्लाई करोगे अगर आप तो क्या होगा, कोस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस इंटू साइन कॉस स्क्वायर, सिमिलरली साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, साइन इंटू कॉस माइनस साइन इंटू कॉस साइन कॉस, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों को ऐड कर दो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, हम पहले पढ़ चुके हैं। कोस साइन माइनस साइन कोस कैंसिल आउट हो जाएगा 0, माइनस कोस साइन प्लस साइन कोस कैंसिल आउट हो जाएगा 0, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया सबको, कोस थीटा बाहर था मल्टीप्लाई कर दिया, साइन बाहर था मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को एड कर दो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 0 0 1, ये आपका रिवॉर्ड आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7th का सेकंड पार्ट, 2x plus 3y 3x plus 2y। हमें यहां क्वेश्चन में फाइंड x एंड y, कैपिटल x और कैपिटल y को हम मैट्रिक्स, मतलब कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, हमने आपको पहले बताया था, मतलब यहां जो कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू निकल के आएगी वो मैट्रिक्स की वैल्यू निकल के आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट डिनोट कर लेते हैं, इसको सेकंड। फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 6x plus 9y = में इसको आपने मल्टीप्लाई करा किससे, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6 9 12 0, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 6x plus 4y = 4 -4 -2 10। फर्स्ट इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि हम एक कॉफिशियंट को तो रिड्यूस कर सकें। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 12 9 0 -4 -2 -4 10। देखो ध्यान समझिएगा, जिसका फर्स्ट पार्ट है उसमें x और y के साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है, x प्लस y सिंपली दे रखा है, तो आप उनको सब्ट्रैक्ट या एड सिंपली कर सकते हैं। लेकिन यहां कॉफिशियंट है, तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करा 3 से, सेकंड को मल्टीप्लाई करा 2 से, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6x 6x कैंसिल आउट, 9y - 4y 5y, 6 - 4 2, 9 + 4 13, 12 - 14 - 10, और ये 5 वहां जाके डिवाइड हो गया, 2/5 14/5 13/5 -2। गॉट इट।
ये वैल्यू आ गई आपकी वाई की। देखो यहां तक दोबारा समझो, हमारे पास दो इक्वेशन दे रही हैं, 2x प्लस 3y, 3x प्लस 2y, हमने इसको मल्टीप्लाई करा 3 से, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा 2 से। समझ में आया बच्चों? मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, माइनस करने से 9y माइनस 4y 5y और दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होगी, 5 वहां जाके डिवाइड हो गया, ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, जैसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें 2x प्लस 3y, 2 बाय 5, 14 बाय 5, 13 बाय 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2430। ये आ गया। अब ये जो वैल्यू यहां आई है इसको सॉल्व कर लो, 3 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 बाय 5, 42 बाय 5, 39 बाय 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 2430। ये पूरी मैट्रिक्स वहां जाके माइनस होगी, 2430 माइनस 6 बाय 5, 39 बाय 5, 42 बाय 5 माइनस 6। क्लियर है? 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 6 बाय 5, एलसीएम लोगे 5 टू द 10, 10 माइनस 6 4 बाय 5, 3 माइनस 39 बाय 5, एलसीएम लोगे 5 थ्री 15, 39 में से आप 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंपली वी गेट 24 माइनस 24 बाय 5, 4 माइनस 42 बाय 5 20 माइनस 42 माइनस 22 बाय 5 और ये प्लस का 6, 2 वहां जाके डिवाइड कर दो, 2 बाय 5 माइनस 12 बाय 5 माइनस 11 बाय 5 और 3, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। समझ में आया? जो y की वैल्यू आई थी वो हमने आप उठ करा 2x प्लस 3y, सॉल्व करा, मल्टीप्लाई करी 3 से, ये वहां जाके माइनस हो गया, माइनस होने के बाद ये सब्ट्रैक्ट करके आ गया और वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, 3 इंटू मैट्रिक्स दे रखी है तो 3x, 3y, 3z, 3w मल्टीप्लाई कर दो, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगी। स्टेटमेंट ध्यान से देख लो, ये स्टेटमेंट दे रखी है आपको, फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसमें 3.1 का भी यूज हो जाएगा। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपके क्वेश्चन नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस कमेंट करें, आप किसी भी बुक के क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट डे तक मिल जाएगा। 3x, 3y, 3z, 3w मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब इन दोनों को एड करेंगे, अगर हम x प्लस 4, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एड होते हैं जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 2w प्लस 3। ध्यान से देखिए, सारी मैट्रिसेस का ऑर्डर 2:2 है, दो रो दो कॉलम, ऑर्डर सेम होता है तभी हम एडिशन कर सकते हैं, ऑर्डर सेम होता है तभी हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जहां मैट्रिस इक्वल है, ऑर्डर सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, 3z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू और 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अपने इक्वल रखा, ये x इधर आगे माइनस हो गया, 3x माइनस एक्स 2x, 2x इक्वल टू 4x आ गया 2, ये y यहां आगे माइनस होगा 2y और x की जगह आप 2 पुट कर देंगे, 2y इज इक्वल टू 8, y 4, x 2, ये इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो, उससे पहले आप w की वैल्यू निकाल लो, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, w की वैल्यू आ गई 3, ये 3z इधर आगे माइनस हो, z इधर आगे माइनस हो जाएगा और आप w की जगह 3 पुट कर देंगे, 2z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x 2, y 4, z 1, w 3 इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया सबको? दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दिया, यहां 3 से स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दी, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस सबको क्या कर दिया हमने, इक्वेट, और सिंपली सॉल्व करके वी गेट द रिजल्ट x 2, y 4, z 1, w 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 13,
एफ एक्स दे रखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन आपको शो करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो यहां हम एल एच एस लेके चलेंगे, एल एच एस में एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। अब एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई आ जाएगा। एफ ऑफ वाई की बात करोगे आप तो एफ ऑफ वाई क्या आ जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई आ गया एफ ऑफ वाई। और आर एच एस क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मीन्स क्वेश्चन में जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस वाई आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई जीरो माइनस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो 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 वन। यार क्लियर है, एफ ऑफ एक्स तो ये दे रखा है, एफ ऑफ वाई मीन्स क्वेश्चन में जहां जहां एक्स है वहां वाई पुट कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई को इसके इक्वल प्रूव करना है। आर एच एस है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मीन्स जहां से एक्स है मामा क्या रख दिया एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखो सबका ऑर्डर सेम है, थ्री टू थ्री थ्री टू थ्री थ्री टू थ्री, तो मल्टीप्लीकेशन सिंपली चलेगी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट की फर्स्ट कॉलम से करोगे तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और जीरो इंटू जीरो जीरो। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई और वो जीरो। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो माइनस साइन एक्स इंटू जीरो 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 इंटू वन जीरो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई जीरो इंटू जीरो जीरो। देखो मल्टीप्लीकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस, बाकी चीजें बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और जीरो इंटू जीरो जीरो। सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से करोगे साइन एक्स इंटू जीरो जीरो कॉस एक्स इंटू जीरो 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 इंटू वन जीरो। इसकी इसे करोगे तो जीरो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जीरो इंटू कॉस वाई जीरो इंटू साइन वाई वन इंटू जीरो 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 वन। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए कि आइडेंटिटीज बन गई जो आपने इलेवेंथ क्लास में पढ़ी थी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी मीन्स कॉस एक्स प्लस वाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई। ट्वेल्थ क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो इलेवेंथ क्लास की सारी आइडेंटिटीज आप रिवाइज कर लीजिएगा। माइनस कॉमन आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस एक्स प्लस वाई जीरो जीरो वन। ध्यान से देखो एल एच एस और आर एच एस सेम आ गया। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आर एच एस थी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, जहां एक्स था वहां एक्स प्लस वाई रख दिया, एल एच एस था एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ओ वाई, जहां एक्स एम आई रखा दोनों की मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करके जो आ गया वो सेम आर एच एस के इक्वल आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर है, देखो कुछ आइडेंटिटीज जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहां ए और बी कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एप्लीकेबल नहीं होती। अगर आप मैट्रिक्स में कहो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो ये गलत होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल नहीं होता। आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर को लिखते हैं ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी, ए इंटू ए ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी ए और बी इंटू बी बी स्क्वायर। समझने की बात है बच्चों, यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए के। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता, इसलिए हम इसको टू ए बी नहीं लिख सकते।
ये बात समझने की है। ये आइडेंटिटी अर्लियर क्लासेस में लगती थी, वहां ए और बी स्मॉल होते हैं, कैपिटल ए और बी का मतलब मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सिमिलरली ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अगर हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी खोलना है तो हम कैसे खोलेंगे, ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? किसी भी मैट्रिक्स का जब स्क्वायर निकालना हो उस मैट्रिक्स को हम उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सपोज टू बी ए हमारे पास है 1 2 3 4, हमें ए स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 की मल्टीप्लाई 1 2 3 4 से करेंगे। यूनिक आप इनका स्क्वायर कर दो। अगर आपको ए क्यूब निकालना है तो आप ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई करोगे। वॉट इट, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। आपके जो आगे क्वेश्चंस हैं वो इसके बेस्ड हैं कि जब आपको ए स्क्वायर निकालना है तो ए की ए से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करनी आपको आती है। ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई करो। 3.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में वो इसी पे बेस्ड है। तो अभी आप यही क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए वो करो, जो आपके रिमेनिंग रह गए उनको कंप्लीट करो। इससे आगे ये क्वेश्चंस और कंसेप्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।